दोस्तों दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में उलझी रही, लेकिन यहाँ भारत ने ऐसा काम कर दिया कि पूरा यूरोप अब भारत का होने वाला है। जो कुछ भी भारत कर रहा है अब उस पर दुनिया भारत को झुककर सलाम करने वाली है, और साथ ही भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है कि दुनिया में किसी भी देश ने इसकी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि भारत के हाथ यूरोप के देशों का जबरदस्त खजाना लगने वाला है। इतनी मोटी रकम भारत को मिलेगी कि भारत को भी अब सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भारत ने क्या कर दिया है कि इतना बड़ा खजाना भारत के हाथ लगने वाला है। तो आपको बता दें कि यह कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत है, जो इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के वैज्ञानिकों को तो हैरान करके रख दिया है। यही वजह है कि भारत के कारनामे को देखकर दुनिया के देशों की नजरें भारत पर टिकती नजर आ रही है। तो आखिर भारत ने किस क्षेत्र में ऐसा क्या कर दिया है कि पूरे यूरोप का खजाना भारत के हाथों में लगने वाला है। लेकिन उसको बताने से पहले आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से जारी किए गए एक बयान के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर अमेरिका पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के सियासी कार्यकाल पर गहरा संकट मंडरा रहा है। उनकी कुर्सी के नीचे की जमीन हिल रही है। कब उनको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े इमरान खान को खुद ही नहीं पता है। पाकिस्तान की सेना भी इमरान खान के खिलाफ हो रही है। अब इमरान खान अपने देश के लिए एक इमोशनल ड्रामा रच रहे हैं और अमेरिका को लेकर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। इमरान खान लगातार कह रहे थे कि उनकी सरकार को विदेशी ताकतें गिराना चाहती हैं। विदेशी ताकतों में अमेरिका की ओर से इमरान खान का निशाना था, लेकिन इसी बीच इमरान खान अमेरिका के एक राजनयिक का खुलकर नाम लिया है, जो उनके खिलाफ कथित तौर पर षड्यंत्र में शामिल है। इमरान खान हड़बड़ाहट में क्या बोल गए, उनको इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इमरान खान का कहना है कि वे यूं ही कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनके पास यह सबूत भी मौजूद है कि विदेशी ताकतों की वजह से पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, इन सब में दूसरे देश जिम्मेदार है। इमरान खान कहते हैं कि सबूत के तौर पर उनके पास एक चिट्ठी भी मौजूद है। दरअसल इमरान खान ने अमेरिका के जिस राजनयिक का नाम लिया है, वे एशिया के उप विदेश मंत्री के तौर पर काम करते हैं। उनका नाम डोनाल्ड लू है। इमरान खान ने दावा किया है कि डोनाल्ड लू ने उनके विपक्ष के साथ मिलकर यह साजिश रची और उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने की भी कोशिश की। अब जिस तरीके से इमरान खान अमेरिका के ऊपर बयान दे रहे हैं, अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वहीं इमरान खान के इस बयान के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को सबके सामने आकर अपना बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रहे और आने वाले दिनों में भी अच्छे रहेंगे। एक तरफ इमरान खान लगातार अमेरिका का नाम लेकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनरल बाजवा अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो साफ है कि आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अमेरिका के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, अमेरिका भी पाकिस्तान को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहने वाला है। यह तो थी हमारे पड़ोसी प्रधानमंत्री की खबर। अब आइए अब आपको बताते हैं कैसे भारत यूरोप पर कब्जा करने वाला है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अगर किसी दूसरे विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है क्रूड ऑयल को लेकर है। अमेरिका एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है कि कोई भी देश रूस से क्रूड ऑयल ना खरीद सके, लेकिन अब भारत अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा है। भारत जो कुछ करने जा रहा है, अगर उस पर भारत सफल रहा तो भारत को क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे एक तरफ जहां भारत की निर्भरता पेट्रोल और डीजल से खत्म होगी, वहीं दूसरी ओर भारत और रूस सऊदी अरब की तरह ही फ्यूल का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा क्या बना रहा है कि भारत को पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दें, भारत बहुत ही तेजी से हाइड्रोजन के निर्माण पर काम शुरू कर चुका है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लार्सन एंड ट्यूब्रो और रेन्यू पावर ने मिलकर हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। रेन्यू पावर को इलेक्ट्रो पावर जनरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। लार्सन एंड टर्बो हाइड्रोजन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले इक्विपमेंट्स का निर्माण करेगी और इंडियन ऑयल रिफाइनरी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करने वाली है। भारत में हाइड्रोजन पावर उत्पन्न करने की शुरुआत मथुरा और पानीपत रिफाइनरी से शुरू होगी। हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे प्रदूषण रहित एनर्जी सोर्स माना जाता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को कई बार आपने हाइड्रोजन कार में देखा होगा। अभी हाल ही में वे हाइड्रोजन कार में बैठकर पार्लियामेंट भी पहुंचे थे और साथ ही वे लगातार
लगातार बयानों में हाइड्रोजन का जिक्र करते देखे गए हैं। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के बाद अगर दुनिया में कोई फ्यूल के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो वह हाइड्रोजन है। आने वाले कुछ ही दिनों में हाइड्रोजन के द्वारा पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब से लगभग 8 साल बाद यानी कि 2030 तक ये तीनों कंपनियां मिलकर 50 लाख टन हाइड्रोजन के निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित किया है। वहीं 2030 तक भारत में अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइड्रोजन की मांग 1.2 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि हाइड्रोजन का निर्माण करने वाली कंपनियां 60 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने वाली है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का निर्माण करना तो कई देशों ने शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में निर्माण होने वाला हाइड्रोजन काफी किफायती होने वाला है। इससे लिहाज से भारतीय हाइड्रोजन की दुनिया में मांग बढ़ेगी और साथ ही भारत में कंपनियां निवेश भी करेगी। वहीं आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में हाइड्रोजन की मांग कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि 2027 तक यूके अपनी सभी पेट्रोल और डीजल व्हीकल को हाइड्रोजन फ्यूल के तहत रिप्लेस करने वाला है। लिहाजा अगर भारत में बड़ी मात्रा पर हाइड्रोजन का निर्माण किया गया तो भारत आने वाले समय में हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा। उधर दुनिया में अब तो ये साफ संकेत मिल चुके हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो पेट्रोल और डीजल का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेजी से प्रदूषण और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है इससे मानव जीवन पर बहुत गहरा खतरा दिखना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरीके से आज दुनिया चल रही है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले कुछ साल में पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। अब इसीलिए दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर प्रदूषण को कम करने पर काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल भले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत दुनिया में अपनी जबरदस्त छाप दुनिया में छोड़ा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के कई देशों के लिए कितना अहम हो गया है, क्योंकि जब कोई देश अमेरिका से विवाद करता है या फिर अमेरिका से मतभेद होते हैं तो वो देश भारत की शरण में ही आता है। अब ऐसा ही कुछ स्वीडन के साथ भी हो रहा है। स्वीडन इस वक्त भारत के कदमों में खड़ा हुआ है। अब स्वीडन ने कहा कि वे नाटो संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी वह अमेरिका के कहने पर लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके चलते अब उसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई की जा रही है उनकी कीमत बहुत अधिक है। और साथ ही स्वीडन ने कहा कि अमेरिका उसके हथियारों की सप्लाई को बाधित कर रहा है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले स्वीडन और कनाडा के बीच ग्रिपेन फाइटर जेट की डील हो रही थी, जो अमेरिका के चलते कैंसिल हो गई। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यह भी अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि वह यूरोप के देशों में भी स्वीडन को अपने हथियार नहीं बेचने दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और अपने देश के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा।